ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सैलेंट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से सीनियर सिटीजन कोटा में ट्रेन में टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में IRCTC को वेबसाइट में या फिर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। तो सिंपल IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। सिंपल आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड, इसके बाद कैप्चर फिल करना है, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। तो फटाफट में यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर लेते हैं। तो फाइनली हमने यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर लिए है और कैप्चर भी। इसके बाद सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा IRCTC अकाउंट जो है वेरीफाई होगा, जो अकाउंट जो हमारा सही है या फिर गलत है। यदि सही होगा तो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे जनरेट पिन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे 4 डिजिट का पिन सेट करना होगा जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है, इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। तो हमारा IRCTC रेल कनेक्ट है फाइनली लॉगिन हो चुका है। लॉगिन करने के बाद ट्रेन पे क्लिक करना है, इसके बाद बुक टिकट पे क्लिक करना है, इसके बाद जिस रूट में हमें टिकट बुक करना है वो रूट सेलेक्ट करना है। फॉर्म स्टेशन मैं नई दिल्ली सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे 2A स्टेशन पे क्लिक किया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें वेट कर लेना पड़ेगा कुछ टाइम, क्योंकि कई बार IRCTC के सर्वर में काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं, इसकी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है, जिस डेट का टिकट बुक करना है। इसके बाद जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें लोअर पर्थ में टिकट बुक करना है, यानी कि सीनियर सिटीजन कोटा में। तो सिंपल इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम सीनियर सिटीजन सेलेक्ट किया होता है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि जब हम सीनियर सिटीजन में टिकट बुक करेंगे, यदि मेल है तो 60 साल प्लस होना चाहिए, यदि फीमेल है तो 45 यानी कि 45 साल प्लस होना चाहिए। और एक बात को ध्यान रखना है, जब भी हम सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट बुक करेंगे तो एक साथ 2 ही नाम बुक कर सकते हैं। यदि 3 से 4 नाम बुक करेंगे तो हमारा वेटिंग लिस्ट में भी टिकट बुक हो सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है बुकिंग के टाइम। सिंपल यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया हूँ, इसके बाद हमें वेट कर लेना है। इसके बाद जिस ट्रेन में हमें टिकट बुक करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। हमें ये देखना है सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीमांचल एक्सप्रेस यानी कि 40 सीट अवेलेबल है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे पैसेंजर का नाम फिल करना होगा। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है हमारा पैसेंजर का नाम फिल करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम सबसे पहले नाम फिल कर लेते हैं। इसके बाद हम नाम फिल करने के बाद यहाँ पे एज सेलेक्ट करना है, यदि मेल है तो 60 साल प्लस होना चाहिए। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। इसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। सेकेंड नाम हमें ऐड करना है, तो सिंपल यहाँ पे जो भी नाम है नाम ऐड करेंगे। इसके बाद फीमेल है तो 45 प्लस होना चाहिए, तो यानी फीमेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। जब भी हम टिकट बुक करेंगे सीनियर सिटीजन कोटा में, तो एक साथ आप लोगों को 2 ही नाम बुक करना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल होगा, चाहे तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, इसके बाद फिर से हमें रिव्यू जोनी डिटेल पर क्लिक करना है, इसके बाद यस पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन फिर से करना है। इसके बाद फिर से देख सकते हैं यहाँ पे 40 सीट अवेलेबल शो कर रहा है। इसके बाद एक कैप्चर फिल करने के बाद प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना है। तो मैं फटाफट कैप्चर फिल कर लेते हैं। यस पे क्लिक करने के बाद फाइनली हम पेमेंट पेज पे आ चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पेमेंट मेथड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पे लेटर, वॉलेट। तो हम सिंपल यहाँ पे वॉलेट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें पेटीएम से पेमेंट करना है, पेटीएम वॉलेट से हम पेटीएम वॉलेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यस पे क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पर सीनियर सिटीजन कोटा कंसेशन जो तो पहले मिलता था कमीशन, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है फिलहाल में। तो फाइनली हम पेमेंट पेज पे आ चुका है, प्रोसेस योर पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो हम यहाँ वेट कर लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। जैसे हमारे फ़ोन पे एक OTP आएगा, OTP फिल करते ही हमारा टिकट बुक हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में, इस तरह से हम लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से 2024 में सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट बुक कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।